छोड़ देंगे और ये तो के लिए बहुत अच्छा है। और इसकी जो वी आर डूइंग स्पाइसी चैलेंज ने लोगों को अब करके दिखाना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह गुड। ऑल्सो आप लोगों ने मेरा पीछे वाला ब्लॉग देखा था, दैट वॉज अबाउट माई हाउस टूअर, तो थैंक यू सो मच एवरी वन। उसमें हमारा अबाउट 2K हो चुका है, थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लाइकिंग इट। ऑल्सो जो बच्चे न्यू है, मैंने देखा है मेरे को 70% ऐसे लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, दे आर माई यूट्यूब फैमिली, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। तो मेरा जो रूम है ना वो बिल्कुल भी इसके अंदर कोई डेकोरेशन नहीं हुई हुई, तो मतलब मुझे शिद्दत से जरूरत थी रूम के डेकोर करने की और मैंने सोचा कि मैं करूंगी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शेयर इट विद यू एज वेल। तो मैंने दराज से कुछ चीजें मतलब मंगवाई और ना मेरी कोशिश ये थी कि मैं दराज से सबसे ज्यादा सस्ती चीजें मंगवाऊं, ऐसी चीजें जो कि मतलब अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो चुकी और दे आर वेरी लाइक सस्ती भी है और उसकी रेटिंग अच्छी हो, लेकिन रेटिंग में और जो मैंने दराज से जो जो चीजें डेकोर की मंगवाई है ना उन सबके रेटिंग बहुत अच्छी है और उस सब उसके अंदर लाइक रेटिंग 90% समथिंग है और उनका सामान उनका जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा है और वो प्राइस जो है वो इवन लेस देन 300 या इस तरह मतलब 500-600 से नीचे चीज़ें। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, इवन कुछ इस तरह से जो सिर्फ 100 रुपीज की है और इसके साथ मैं अपना शेयर करूंगी कि मुझे वो कैसी चीज़ लगी और मैंने क्या सोचा कि मैं उसे कहाँ पर लगाऊंगी अपने रूम के अंदर। तो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम हियर। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक माई वीडियो अबाउट द एंड कैट जो कि आप लोग का अभी गुजरा है। आई विल शेयर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट इट एज वेल, लेकिन इन द लास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिव्यू फॉर सारी चीज़ों की। मुझे लगता है कि वन ऑफ द गुड शॉपिंग की है और मैंने जो भी चीज़ें ली विद द प्राइस और विद द लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू गाइस कैन बाय इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी मैंने क्या चीज़ें ली हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ और प्राइसेस ना मुझे भूल जाती हैं तो मैंने दूसरा मोबाइल अपने साथ रखा हुआ है ताकि मैं उसके प्राइसेस एग्जैक्ट आपको देख के बता सकूँ और वैसे मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छा, मैंने ना ये वाला पार्सल खोल लिया है, मेरा एड्रेस तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये वाला मैंने पार्सल खोल लिया, मैंने ना मैक्सिमम चीज़ें ऐसी मंगवाई हैं लाइक उनकी ना कैश ऑन डिलीवरी में ना आपके पास थोड़े से एडिशनल पैसे 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहे थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा ना लगाने के लिए उसको भी लाइक ऑनलाइन पेमेंट कर दी, सब चीज़ों की ऑनलाइन पेमेंट कर दी। तो ये मतलब मेरे लिए थोड़ा सा था कि पैसे जो के जो एक्सपेंस था ना वो थोड़ा बहुत ही कम बन रहा था, मेरे लिए बहुत मुनासिब था। इसको मैं आपको उनसे दिखाती हूँ, ये प्लांट है, मिनी प्लांट्स मैंने लिए, ठीक है, और इसकी प्राइस है 175। ये मिनी प्लांट्स हैं और पैक ऑफ, अच्छा हाँ, अच्छा ये मैंने मिनी प्लांट्स लिए हैं, ये पैक ऑफ 4 मिनी प्लांट्स है लेकिन इन्होंने मुझे जो है ना वो 5 मिनी प्लांट्स दिए हैं, तो एक एडिशनल दिया हुआ है, थैंक यू सो मच। और मैं आपको दिखा देती हूँ कितने क्यूट से हैं, एक ये है, दूसरा ये है, दिस इज सो क्यूट, छोटे छोटे से मिनी है, ठीक है, मैं आपको पास से भी दिखा दूंगी। और देन दिस वन, ये ना डिकोर के लिए बहुत अच्छा है और इसकी जो लाइक मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, एक ये है एंड दिस वन। इन लोगों ने मुझे 5 भेजे हैं और इनकी प्राइस 175 है, तो आप समझ लें कि ईच कितना पड़ रहा होगा, लाइक 40 रुपीज़ का एक या लाइक 35 का कुछ इस तरह का। तो मैंने ना कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया था, मैंने ऑनलाइन ही पेमेंट कर दी थी, तो इतने क्यूट क्यूट भेजे हैं, तो मैं इसको लगाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी मैं इसे कहाँ लगाऊंगी, बट अभी सिर्फ आप देखें इसकी क्वालिटी, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। अनदर थिंग जो मुझे बहुत क्यूट लगी, दिस इज सो प्रिटी, बहुत प्रिटी है, इसके अंदर मैं फ्लावर्स जब लगाऊंगी ना प्रिटी होने के साथ साथ दिस इज टू एस्थेटिक, जस्ट चेक प्राइस, इसके प्राइस भी बहुत कम्फर्टेबल थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे बट 300 तक। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक का ये, बट दिस इज टू एस्थेटिक लाइक टेबल के ऊपर, और फ्लावर्स जब इसके फ्लावर्स मैं अपनी मम्मा से मंगवाऊंगी, वैसे दराज से भी मिल रहे थे बट मुझे मतलब कुछ अच्छे नहीं लगे, तो मैं जो है ना इसके फ्लावर्स मंगवाऊंगी अपनी मम्मा से और उसके बाद फिर इसको आपको ना डिकोर करके दिखाऊंगी रूम में ये मैं कहाँ रखती हूँ। एंड आई लव इट रियली, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, 10/10, आई लव इट। दिस बॉक्स इज सुपर क्यूट एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस अंदर जिसके अंदर हम सामान रख सकते हैं, सो आई जस्ट लव इट, क्वालिटी सो गुड, आप इसको देख सकते हैं और ये बहुत एस्थेटिक भी है। और फ्लावर भी आपने इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए होंगे, आएंगे ना? ये कुछ फ्लावर्स नहीं, कुछ लीव्स मंगवाए थे मैंने, हाँ, इसके होम डेकोर लाइक आर्टिफिशियल मनी प्लांट्स मंगवाया था और इसकी प्राइस है 185 एंड फ्री डिलीवरी, ठीक है, फ्री डिलीवरी है इसकी 185, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी।
और ये माशाल्लाह बहुत लाइक 6 मीटर इसकी हाइट है, तो 6 फीट इसकी हाइट है, तो ये बहुत सारे लाइक लंबे लंबे। तो मैंने ना बहुत अच्छा सोचा है इनके साथ मैं क्या करूँगी, मैंने बहुत अच्छा सोचा है। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं ये कहाँ पर यूज़ करती हूँ एंड आई रियली लव इट। मैं आपको एक फ्लावर दिखा देती हूँ, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब एक्सपेक्टेशन से बेटर है। वैसे मुझे ना यूं करके वाले लीव्स चाहिए थे, बट ये वाले भी अच्छे हैं, तो आपको मैं दिखा देती हूँ ये कैसे दिखते हैं। तो दे आर क्वाइट गुड, ठीक है। तो मतलब ये भी मतलब 7 out of 10 अकॉर्डिंग टू द प्राइस, 185 इसकी प्राइस है और फ्री डिलीवरी, तो आई थिंक ये काफ़ी कम्फर्टेबल है ख़रीदने के लिए। तो ये मुझे अच्छे लगे। ये ग्रीन लीव्स हैं जो कि मुझे दराज से रिसीव हुआ है, तो ये ग्रीन लीव्स इस तरह के कुछ दिख रहे हैं और इनके ऊपर एक रिंग टाइप है। सो दिस इज़ सो गुड, लाइक मतलब जितनी इसकी प्राइस है ना 185 समथिंग। तो इसके अलावा जो है, अच्छा इसको भी ना मैं 7 out of 10 दूंगी, मतलब ये अच्छा है बट इसकी कीमत भी कम है। क्या हुआ? बट इसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं इसको जब डेकोर करूँगी ना तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जो सोचा है ना वो सोचा मिरर के साथ करूँगी, बट लेट्स सी। और जब मैं करूँगी ना तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा एक और जो है ना, मैंने बहुत छोटा सा मिनी क्यूट सी चीज़ मंगवाई है, दाढ़ी मुझसे आई है मुझे, और इसकी प्राइस है आई थिंक 89 की प्राइस है, लेट मी चेक। यस 86, इसकी प्राइस 86 है, बिलीव इट 86 रुपीज़ का ये है, दाढ़ी मुझसे मुझे मिला है। और ये बेसिकली क्या है, जो आप बटन्स के ऊपर लगा लेते हैं, छोटे छोटे से चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, ये बटन्स के ऊपर लगाने वाला है। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो मुझे ये कुछ यू क्यूट से रिसीव हुआ। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, इसी तरह के मैंने एक लिया था, बहुत पहले लिया था, इसी क्वालिटी का लिया था, वुडन, ये वुडन है, और वो मुझे कुछ 1000+ का मिला था, मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से लिया था। अब आप खुद सोच रहे हैं उस टाइम मुझे कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। तो अब जब मैंने लिया है ना, मतलब आप इसका बॉक्स देख ले, बॉक्स की प्राइस भी 89 नहीं होती और मुझे ये 89 में मिला, तो मतलब दिस इज़ सो गुड। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर से खोल के, ये वैसे दिखा दूँ। तो ये जो है ना, ये अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे से वुडन है, ये सारे वुडन हैं, वुड के हैं। फेरी बनी हुई है, क्यूट सी फेरी है, और एक ये फेरी है प्यारी सी, और ये छोटे छोटे से ये ना मैं बटन के साथ भी लगा सकती हूँ, लाइक अपने जो स्विच बटन होते हैं उनके साथ भी, अपने रूम के बेड के ऊपर भी लगा सकती हूँ। और इनकी प्राइस बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत बहुत सस्ता है, मुझे तो लगता है बहुत सस्ता। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे चीपेस्ट प्राइस में मिली वो ये है, और इसकी प्राइस है 86 रुपीज़, और कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो 100+ हो जाएगा, बट क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया तो मुझे 86 का ही पड़ा है। और तो इसके ना मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ना इसके जो टेप देते हैं ना, 2-sided tape, वो जो है वो बहुत ही कम सी है, तो मतलब मैं किस किस के साथ लगाऊंगी, मुझे खरीदनी पड़ेगी टेप। बाकी ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो आई लाइक इट। दिस इज़ द शेल्फ, बेसिकली वुडन शेल्फ है, मैंने इसको थोड़ा सा खोला था देखने के लिए, तो ये भी मुझे अच्छी। अच्छा इसकी प्राइस 389 है, 389 इसकी प्राइस है, कैश ऑन डिलीवरी आई मीन प्राइस के साथ, लाइक फ्री डिलीवरी, आई डोंट नो इसकी फ्री डिलीवरी है या नहीं। तो ये इसके साथ ये वो दिया हुआ है, लाइक डबल साइडेड टेप दी हुई जिसके साथ हम लगाएंगे, और ये शेल्फ है, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास 3 shelf दी हुई, जिसके लगता है मेरे साथ स्कैम हुआ है, लाइक ये बहुत पतला है, मतलब जैसे दिख रहा था ना कि बहुत मजबूत होगा, ये वैसा नहीं है, मुझे हाथ लगाने से फील हो रहा है कि इसके ऊपर मेरी कोई बुक नहीं रह सकती, क्योंकि मेडिकल की बुक्स इतनी मोटी होती हैं और ये इतना कमज़ोर है कि अगर मैंने एक बुक रखी ना तो ये नीचे गिर जाएगा। इसके अंदर तो मेरी क्लास की भी बुक नहीं रह सकती। हाँ इसके अंदर बुक्स नहीं आ सकती हैं, इसके वी कान होल्ड द बुक्स इन इट, बट इसके अंदर बाकी चीज़ें जैसे डिकोर की सामान है, डेकोरेशन का कोई भी सामान है तो वो आ जाएगा, तो इसके लिए गुड है। लेकिन वैसे नॉर्मली देखा जाए ना तो आई थिंक 389 का ऐसा ही है, प्राइस के हिसाब से ठीक है, इसको 7 out of 10 दूंगी मैं। ये आप लोग देख लें, ये एक पे लगेगा, और इसका पतला चेक करें कितना पतला है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है गत्ते का है, ये डिज़ाइन करके है कुछ लगा हुआ, ये जब मैं लगाऊंगी ना तभी आपको आइडिया हो सकता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी ताकि आप लोग इसे जिसको भी खरीदना होगा यू गाइस कैन बाय इट। और इसके ना मतलब पूरा अच्छा बना हुआ है, बट बस बहुत बहुत पतला है, और ये इसकी थोड़ी सी वीक पॉइंट है, बाकी अच्छा है। थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हल्का मतलब पतला था, तो मुझे था कि ना ये थोड़ा मोटा होगा, और इसकी प्राइस 389 मतलब अप्रॉक्स 400 है। तो ये पार्सल हमारा हो गया। अब दिस इज़ द लास्ट वन, जो कि हमारा ये दिस इज़ माई फेवरेट, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेम्स देखे थे, बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेम्स देखे थे, तो मैंने उसमें से 2 ऑर्डर किए हैं, क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं था कि कैसे फ्रेम्स आते हैं मुझे, तो मैंने 2 ऑर्डर किए हैं एंड दे आर सो गुड। और ये मोटिवेशनल
कोड जो है ना वो आप सबके लिए लाइक फॉर द एंडिकेट स्पिरिट, दिस कोड इज़ फॉर यू ऑल एज वेल। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी हुई थी बहुत ज़्यादा, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। मतलब इन्होंने दिल से भेजा हुआ था ये पूरे टेप, इन्होंने ये छोटे छोटे फॉर्म्स करके और बीच में फ्रेम्स रखे हुए थे, और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको। ऐसे मैंने इसको पहले खोला है और ये पूरा हर तरफ से जो है ना स्कॉच टेप से बंद था, लाइक ये फ्रेम इस तरह करके आया हुआ था स्कॉच टेप से बंद था, तो मैंने इसके टेप जो है ना वो ऑलरेडी खोल ली थी पढ़ने के लिए फ्रेम्स। ठीक है, तो ये इस तरह करके फ्रेम बंद हुआ हुआ था, सो जस्ट लेट ओपन इट। इसके अंदर कलर भी थे डिफरेंट, ब्लैक भी था और वाइट भी था, सो आई ऑर्डर दिस वन। ये देखें, ये आप सबके लिए, ठीक है, ये दो फ्रेम्स हैं। मैं आपको इसको लाइक जो इसके अंदर कोट लिखा हुआ है ना, इट इज़ वेरी मेरे हार्ट के करीब है ये दोनों, दे बोथ आर मोटिवेशनल कोट और स्पेसिफिकली फॉर यू ऑल। तो मैं ये आप लोगों को दिखाती हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और दिस इज़ समथिंग मैं हमेशा एंडिकेट बच्चों को यही कहती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखें ये क्या लिखा हुआ है, डोंट टेल पीपल योर ड्रीम्स, शो दैम। ठीक है, वो सारे लोग जो डिसअपॉइंट हो रहे हैं, आई एम टू सेंग टू दोज के देखो जो भी आपके साथ हुआ है ना, डोंट बी डिसअपॉइंट, आपने लोगों को अब करके दिखाना है। ठीक है, शो दैम योर रिजल्ट। बहुत सारी बातें हुई होंगी आप लोगों की, ऑफकोर्स होती हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, लोग आप पे बातें करेंगे और ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। मैं आपको सच बताऊँ ना, जब मेरा टाइम था तब मुझ पर भी बहुत बातें हुई थी, वैन आई वॉज डूइंग रिपीट, तो बहुत बातें हुई थी। तो दिस वॉज द कोट विच हेल्प्स मी अ लॉट एंड आई डिड इट। ठीक है, मैंने जो है ना वो साइलेंस में काम किया। तो आई वॉन्ट एवरी वन आउट दोज कि अगर आपका कोई ड्रीम है ना तो लोगों को दिखाओ करके। ठीक है, जब ड्रीम होता है ना तो आप करके दिखाते हो, आप पैशनेट होते हो उस चीज़ के लिए। तो ये मोटिवेशनल कोट मुझे भी हेल्प आउट करेगा बिकॉज मेरे ड्रीम अब उससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो येस इट विल हेल्प मी अलॉट। इसके अलावा एक और मोटिवेशनल कोट है जो कि मुझे बहुत क्यूट लगता है, मैं खरीदा है ताकि मैं जो है ना जब भी इसको देखूँ ना तो मुझे याद आ जाए कि आई डू हैव सम ड्रीम्स, लीव अ लिटल स्पार्कल वेयर एवर यू गो। सो दिस इज़ फॉर द गर्ल्स स्पेसिफिकली, तो येस आई लव इट। ये दोनों ही फ्रेम मुझे बहुत क्यूट लगे हैं, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। सो ये चीज़ें थी जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, दे आर द बोथ फ्रेम्स एंड आई जस्ट लव देम, और ये कैसे दिखती हैं और ये सब कुछ, दे आर द मोटिवेशनल और 10 out of 10। अगर इसकी ना इसकी प्राइस मैं आपको बता दी कितनी है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, दो के लिए 540 समथिंग था, लेट मी सी प्राइस देख के मैं आपको बता दूँ। ठीक है, इसकी प्राइस 530 है, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी और मुझे दे आई पर्सनली लव देम। तो मैं इसको जब भी अब आप लोग देखेंगे ना, मैं अपने पीछे लगाऊंगी ताकि आप लोग देख के मोटिवेट हो सकें। ठीक है, उसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें थी जो मैंने ऑर्डर की हैं। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें भी ऑर्डर करूंगी और उसके बाद मैं अपना रूम डेकोर करूंगी, बिकॉज मुझे ना इस टाइम पे, क्योंकि अभी घर शिफ्ट हुआ है और मैंने आपको अपना घर दिखाया था, जिसने मेरा घर वाला व्लॉग नहीं देखा यू गाइस हैव टू गो एंड वॉच दैट व्लॉग, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो मतलब जो मुझे ना बहुत ज़्यादा उस पर कॉमेंट आए थे माशाल्लाह माशाल्लाह के, थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लाइकिंग माई हाउस। बेसिकली उस टाइम तो अभी बना नहीं है, अभी तो दरवाजे वगैरह कलर अप हुए हैं जाके और चीज़ें भी अपसेट हुई हैं, बट स्टिल आप लोग इतना लाइक कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लाइक यू गाइज आर अप्रिशिएटिंग मी फॉर एवरीथिंग। तो दिस इज समथिंग मतलब आपकी तरफ से मेरे लिए लव है, दैट्स क्वाइट गुड। करूँगी ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसकी पूरी वीडियो कि मैं अपना रूम किस तरह से डेकोर करती हूँ, बिकॉज मैंने इसका कलर भी जो है ना वो अपनी थीम के अकॉर्डिंग रखा है। तो मैंने इसके जो सामान है ना वो भी उसी के अकॉर्डिंग मंगवाया है, सो आई एम होपिंग कि मैं अच्छा सा कर सकूँ और घर में जो चीज़ें अवेलेबल है उनसे कर सकूँ। वैसे मुझे कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी है, लाइक मुझे मिरर चाहिए, तो मैं वो ऑर्डर करूँगी, तो मैं आपको फिर दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से रूम डेकोर करती हूँ। बाकी मस्त लाइक प्लीज़ गाइस, टारगेट है हमारा 1K लाइक का, अगर 1K लाइक हो जाए तो वी आर डूइंग स्पाइसी चैलेंज। रियली जुनैरा, वी आर गोइंग टू द स्पाइसी चैलेंज, ओके वी विल डू स्पाइसी चैलेंज विद जुनैरा। ठीक है जुनैरा, सही है, ओके। मतलब इतने ये यूट्यूब वीडियोस देखती ना, कह रही कि 1K लाइक करो, टारगेट रखो, ओके यस, सो यू हैव टू डू द 1K लाइक। अगर 1K लाइक हो गया इस वीडियो पे तो फिर हम स्पाइसी चैलेंज करेंगे विद जुनैरा। ठीक है जुनैरा, स्पाइसी नूडल्स चैलेंज। और आप कुछ सीक्रेटली बताएंगे बचपन का मेरा, आपके बचपन का, ओके मेरे सीक्रेट तो मैक्सिमम आपको पता ही है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, ऑल्सो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब इट, एंड वी आर गोइंग टू हिट द 8,000 सब्सक्राइबर। तो आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट एवरी वन आउट देयर जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, एंड ऑल्सो वी विल सेलिब्रेट दिस थिंग। मतलब एक 8,000 सब्सक्राइबर होना इज अ बिग थिंग फॉर मी, तो आई विल जरूर मैं सेलिब्रेट करूंगी आपके साथ और मैं आपको दिखाऊंगी भी सही। सो बाय बाय, टेक केयर। अच्छा आपको तो प्यारी प्यारी वीडियो मिल गई ना, अब जो एंड में मैंने ये बिखेरा किया है जो समेटना है, दिस इज़ ऑल जो कि मेरे को समेटना पड़ेगा। खैर, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।